पेट स्कैन यानी पीईटी स्कैन को कैंसर की जांच का सबसे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि इस टेस्ट से एक्चुअली कैंसर का डायग्नोसिस नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मीर गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारे चैनल पर कंडक्ट किए गए पॉल में सबसे पॉपुलर क्वेश्चन ये था कि पेट स्कैन क्या होता है और उसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पेट स्कैन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पेट स्कैन से हमारा क्या मतलब है। पेट स्कैन का मतलब होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इसका अर्थ यह है कि पॉजिट्रॉन, जो कि एक स्पेशल तरह की रेडियो एक्टिव पार्टिकल होती है, इसकी एमिशन यानी जब ये किसी जगह से निकलती है, ये उसकी डिटेक्शन से होने वाले स्कैन को पेट स्कैन बोलते हैं। यदि हम कॉमनली यूज टेस्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि मोस्ट कॉमनली जो स्कैन होता है वो सिर्फ पेट स्कैन नहीं होता, उसको पेट सीटी स्कैन बोलते हैं। इसका मतलब कि पेट स्कैन के टेस्टिंग के साथ साथ पेशेंट का साथ में एक सीटी स्कैन भी होता है, और इस कॉम्बिनेशन टेस्ट को रिपोर्ट के रूप में पेशेंट को दिया जाता है। तो इस टेस्ट को पेट सीटी स्कैन बोलते हैं, और ये कैंसर की फील्ड में सबसे कॉमनली होने वाले स्कैन में से एक होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पेट स्कैन कैसे काम करता है। तो पेट स्कैन में एक स्पेशल तरह की रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एफडीजी। तो एफडीजी को हम बोलते हैं फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, जिसमें एक रेडियो एक्टिवली टैग्ड मॉलिक्यूल ग्लूकोज से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करके उसको अटैच किया जाता है, और इस मॉलिक्यूल को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो क्या होता है कि बॉडी के विभिन्न अंगों में जहां जहां नॉर्मली ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज बॉडी के अंदर चले जाके उन अंगों के अंदर बैठ जाता है। परंतु ये स्पेशल तरह का ग्लूकोज है जो उस सेल के अंदर जाने के बाद उस सेल के बाहर नहीं निकल पाता, और कुछ टाइम बाद उस ग्लूकोज का रेडियो एक्टिव डिके हो जाता है, यानी कि वो पॉजिट्रॉन नाम के पार्टिकल को छोड़ता है। तो आदमी जिस मशीन में लेटता है वो इस छोटी हुई पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेता है, और उससे मशीन को यह पता चल जाता है कि बॉडी में ग्लूकोज का कंसम्पशन कहां कहां हो रहा है। क्योंकि एक्टिव टिश्यू जैसे कि कैंसर में ग्लूकोज का कंसम्पशन बहुत ज्यादा होता है, नेट रिजल्ट ये होता है कि ये सारी साइट्स मशीन में स्पेशली तरह से शाइन करती है, और रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि बॉडी में एक्टिविटी कहां कहां है। इसीलिए हम इस टेस्ट के माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी में कहां कहां ग्लूकोज एक्टिविटी मैक्सिमम है, और इसी का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। आजकल कुछ नए तरह के पेट स्कैन भी होते हैं, जैसे कि पीएसएमएस स्कैन, डोटानॉक्स स्कैन इत्यादि, परंतु इस वीडियो में हम उन स्कैन्स के बारे में डिटेल में नहीं बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेट स्कैन का यूज किन चीजों में किया जाता है और पेट स्कैन का यूज किन चीजों में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेट स्कैन का यूज किन चीजों में नहीं किया जाता। तो एक जो बहुत फ्रीक्वेंट लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पेट स्कैन का यूज कैंसर का डायग्नोसिस में किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कई बार पेशेंट हमारे पास पेट स्कैन करा के आते हैं और बोलते हैं कि सर, इसमें ये लाइट चमक रही है तो हमें कैंसर है, हमारा इलाज करो। ऑन दी अदर हैंड, कई बार पेशेंट जिनको बायोप्सी के लिए एडवाइस किया जाता है, उनका डॉक्टर से ये सवाल रहता है कि सर, बायोप्सी की बजाय हम पेट स्कैन क्यों नहीं करा लेते, उसी से पता चल जाएगा कि मुझे कैंसर है या नहीं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पेट स्कैन में जो भी लीजन चमकती है वो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर की ही लीजन हो, वो हो सकता है कि वो कैंसरस लीजन हो या कोई इंफेक्शन हो, इंफ्लेमेशन हो, ट्रॉमा हो, यानी जहां पे भी बॉडी में एक्टिविटी है, चाहे वो कैंसरस है नॉन कैंसरस है, वो बॉडी में एक्टिविटी चमकती है। इसलिए पेट स्कैन अकेले से कैंसर का डायग्नोसिस नहीं किया जाता। कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हमेशा एडिशनल टेस्ट किए जा सकते हैं, परंतु पेट स्कैन का यूज किया जा सकता है ये देखने के लिए कि बायोप्सी या सैंपल कहां से लिया जाए। नंबर टू, पेट स्कैन का यूज जो जिस चीज के लिए नहीं किया जाता वो होती है फॉलोअप। तो कई बार पेशेंट जिनका कैंसर पूरी तरह ट्रीट हो जाता है वो ये सवाल लेके आते हैं कि हम फॉलोअप पे हर 3 महीने या 6 महीने पेट स्कैन क्यों नहीं करा लेते, ताकि उससे कैंसर इमिजिएटली पकड़ा जाए। तो दोस्तों, जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे, पेट स्कैन में एक फॉल्स पॉजिटिविटी का रिस्क हमेशा हाई रहता है। तो फॉर एग्जांपल, यदि उसी पेशेंट में कोई छोटा सा लीजन कहीं दिख जाता है तो उस चीज लीजन का कैंसर होने का चांस यूजली काफी कम होता है,
और ऐसे में पेशेंट को अननेसेसरी एंजाइटी, स्ट्रेस और बायोप्सी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फॉलोअप शेड्यूल डॉक्टर से डिस्कस करके बनाया जाए जिसमें पेट स्कैन की यूटिलाइजेशन कम से कम हो। तीसरा, पेट स्कैन क्या नहीं कर सकता, वो ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिजीज डिटेक्ट करना पेट स्कैन के लिए मुश्किल है। इसका रीजन ये है कि इंसान का जो ब्रेन और इंसान की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यूजली ग्लूकोज सोल्यूशन में तैरती है और इनका अपटेक यूजली पेट स्कैन में देखना बहुत डिफिकल्ट है, और इन साइट्स पे कैंसर के लिए बेस्ट टेस्ट एमआरआई होता है ना कि पेट सीटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेट स्कैन के क्या क्या फायदे हैं और ऑन्कोलॉजी में किन किन चीजों में पेट स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, पेट स्कैन का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें हम कैंसर का डायग्नोसिस बना चुके हैं, ये देखने के लिए कि बीमारी कहां कहां फैली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी लेडी को ब्रेस्ट में लंप होता है, उसके बायोप्सी से हम कैंसर प्रूव कर लेते हैं, तो पेट स्कैन करके हम देख सकते हैं कि ये कौन सा स्टेज है, 1, 2, 3 या 4। नंबर टू, पेट स्कैन से ट्रीटमेंट का हम रिस्पॉन्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी पेशेंट को लंग कैंसर है और उसके पेट स्कैन पे कुछ गांठें हमें दिखती है और उसका टारगेटेड थेरेपी से इलाज किया जाता है, तो 2 या 3 महीने के बाद हम फिर से पेट स्कैन करके देख सकते हैं कि पुराने ट्यूमर की गांठें कितनी कम हुई और डिजीज का कितना कंट्रोल हुआ है। नंबर तीन, पेट स्कैन हमें कुछ आइडिया दे सकता है कि कोई लीजन कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी पेशेंट को मुंह का कैंसर है और उसका सीटी कराने पे दिखता है कि उसके फेफड़े में भी कोई गांठ है जिसका हम सैंपलिंग या बायोप्सी नहीं कर सकते, तो पेट स्कैन से थोड़ा रफ आइडिया हमें मिल सकता है कि वो सेम लीजन कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, क्योंकि उस स्कैन में कैंसर की साइड ब्राइटली ग्लो करेगी पर नॉन कैंसर की साइड माइल्डली ही ग्लो करेगी, और इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि पेशेंट की वो लीजन कैंसरस है या नॉन कैंसरस है बिना बायोप्सी करे। परंतु अगेन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पेट स्कैन का यूज बायोप्सी में का रिप्लेसमेंट नहीं है और कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हमेशा ट्यूमर सैंपलिंग की कॉमनली जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पेट स्कैन के डिसएडवांटेज क्या है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पेट स्कैन को हम इतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते जितने कि दूसरे टेस्ट जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन इत्यादि। तो इसके कुछ कारण है। नंबर वन कारण यह है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पेट स्कैन में फॉल्स पॉजिटिविटी का रिस्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल आदमियों में। तो जिस पेशेंट का कैंसर ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है या जो पेशेंट नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है, उसमें पेट स्कैन करने पर काफी पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपटेक आ जाएगा जो एक्चुअली कैंसर रिलेटेड नहीं है, परंतु इससे उस पेशेंट को ज्यादा एंजाइटी होती है, स्ट्रेस फील करना पड़ता है और यूजली उस साइड की बायोप्सी करनी पड़ती है, जिससे पेशेंट को कोई फायदा नहीं होता और मेजोरिटी ऑफ टाइम वो बायोप्सी नेगेटिव ही आती है। इसलिए रूटीनली पेट स्कैन को स्पेरिंगली यूज करना चाहिए। नंबर टू होता है रेडिएशन एक्सपोजर। तो दोस्तों, जब हम बॉडी में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं और साथ में जब उसका सीटी स्कैन करते हैं, तो आदमी की बॉडी को रेडिएशन से एक्सपोजर मिलता है जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो रेडिएशन देता है उससे ज्यादा होती है। तो हालांकि इंडिविजुअल स्कैन में रेडिएशन एक्सपोजर बहुत कम है, यदि आदमी का हम बार बार फ्रीक्वेंटली स्कैन कराएंगे और इसी प्रोसेस को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखेंगे, तो ओवर टाइम उस रेडिएशन से आदमी की बॉडी को कई रिस्क हो सकते हैं और कुछ केस में सेकेंडरी कैंसर यानी दूसरी किसी साइड का कैंसर जो रेडिएशन की वजह से है भी हो सकता है। तो हालांकि एक इंडिविजुअल स्कैन में रिस्क बहुत ही कम है, परंतु अगर आदमी बार बार अननेसेसरी रूप से पेट स्कैन कराए तो उसका लॉन्ग टर्म कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर तीन फैक्टर आता है कॉस्ट। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो टेस्ट जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन इत्यादि है, जनरली उनका कॉस्ट कम होता है, जबकि पेट स्कैन एक कहीं ज्यादा कॉस्टली टेस्ट होता है जो कि पेशेंट के वॉलेट में सिग्निफिकेंट ड्रेन डालता है। इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के फाइनेंसिस को वेस्ट ना किया जाए और कॉस्ट को लिमिट में रखा जाए। तो पेट स्कैन का आज के जमाने में कॉस्ट करीबन 12 से 14 हजार से लेके 22 से 25 हजार की रेंज में होता है, जो कि सीटी स्कैन वगैरह से काफी ज्यादा है। इसलिए पेट स्कैन को कॉस्ट फैक्टर की वजह से कम यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपने पेट स्कैन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखा। हमारे चैनल का पर्पस ये है कि वर्ल्ड का स्टेट ऑफ द केयर, स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट कैंसर केयर हमारे इंडियन पेशेंट्स को भी मिले उनकी अपनी भाषा में। तो यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके हमसे जरूर जुड़े।
हमारे चैनल पे फ्रीक्वेंटली पोल्स भी होते हैं जिसमें हम अपने सब्सक्राइबर से पूछते हैं कि वो किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो यदि आप इस वोटिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। यदि आपके कोई सवाल है या क्वेश्चन है जो इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आए हो तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया चैनल या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने सवाल मुझ पर भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।